हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी का हलवा, जो कि बहुत कम चीजों से और बहुत अच्छा बनता है। जो लोग नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं वो भी ये खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए लौकी। तो लौकी को पहले मैंने अच्छे से कट कर लिया, उसके बाद उसे कद्दूकस कर दिया है। और ये लौकी जो मैंने काटी है उसके पहले मैंने उसे धो लिया था, उसके बाद इसे कद्दूकस किया है। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे और भी छोटा कद्दूकस कर सकते हैं, पर मैंने इसे बड़े वाले खांचे से किया है तो थोड़े से बड़े बड़े हैं इसके लच्छे हैं। तो इस तरीके से पहले मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई, आप चाहें तो पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक चम्मच घी डालूंगी, यहाँ मैं सिर्फ एक ही चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं, आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो, काजू बादाम पिस्ता। मैंने यहाँ पर काजू बादाम और मूंगफली के दाने और चिरौंजी ली है, जिसे पहले मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हमें ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लूँगी। फिर इसमें घी था, मैंने उसे निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध को थोड़ा सा गर्म हो जाए, जब दूध हल्का सा बॉईल होने लगे उसके बाद इसमें डाल देना है लौकी, जिसे हमने कद्दूकस किया था। याद रहे, अगर आपने दूध को पहले उबाल लिया है तो दूध को सिर्फ बॉईल होने दें हल्का सा, और अगर वो दूध कच्चा है तो पहले उसे अच्छे से पका लें, उसके बाद उसमें लौकी डालें। अब लौकी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है पूरे तरीके से, और इसमें हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लौकी वैसे भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगी, इसलिए यहाँ पर बस 5 मिनट के लिए इसे मैं ढककर छोड़ दे रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, लौकी ने काफ़ी अच्छे, लौकी भी पानी छोड़ चुकी है आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से भाप में पक भी चुकी है। तो अभी से बस 5 मिनट के लिए अच्छे से और पका लेना है, इसका पूरा पानी जल ना जाए। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है हमें चीनी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है। चीनी को डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। चीनी डालने के बाद इस तरीके से कुछ हो जाएगी हमारी लौकी, थोड़ा सा और पानी छोड़ेगी इस तरीके से। तो अब फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर। तो यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर लिया है। इसमें हम और कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत में भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैं छोटी चम्मच घी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी यहाँ पर मिल्क पाउडर, आप चाहें तो इसमें खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर व्रत में मिल्क पाउडर भी खाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। मिल्क पाउडर डालना है तो गैस को लो फ्लेम पे कर देना और तब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं इसे मिक्स करने के बाद कितने अच्छे तरह से टाइट हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी रोस्टेड ड्राई फ्रूट, जिसे हमने पहले से ही रोस्ट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं गैस पे इसे बस 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लें ड्राई फ्रूट डालने के बाद। अब हमारा लौकी का हलवा है बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा दिख रहा है। और आपने अभी तक रवा का हलवा भी खाया होगा, बहुत सारी चीज़ों का हलवा आता है, पर लौकी का हलवा का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो वैसे ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।